नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोग को जीविका में ऋण पुस्तिका कैसे लिखा जाता है उसके बारे में आज आप लोग को हम बताएंगे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले ताकि जितने भी महत्वपूर्ण वीडियो हैं वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जिस सदस्य को आपने ऋण दिया है उस सदस्य का यहाँ पे नाम लिख लेंगे। जैसे मैंने सदस्य का नाम में ABC लिया है एग्जाम्पल के रूप में। आप जो भी दीदी का नाम है वो लिख लेंगे, उनके पति का नाम लिख लेंगे नीचे। फिर इस साइड में पासबुक संख्या है, पासबुक संख्या पासबुक में से देख के लिख लेंगे। स्व सहायता समूह का नाम यानी जो भी समूह का नाम है वो लिख लेंगे। मैंने एक सोना SHG का लिया है एग्जाम्पल में। ग्राम संगठन का नाम जो भी आपका है वो लिख लेंगे। हम यहाँ पे आकाश आकाश भी हो यानी आकाश ग्राम संगठन का नाम लिया है यहाँ पे। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देख रहे होंगे कर्म संख्या। कर्म संख्या एक यहाँ पे लिख लेंगे, उसके जस्ट बगल में दिया हुआ है दिनांक, ऋण का प्रकार, उद्देश्य, ब्याज, किस्त, ये सब आपको लिखना पड़ेगा। जब भी आप दीदी को बैंक से निकासी करके पैसा लाते हैं तो ये सब चीज़ लिखना पड़ता है कि किस दिनांक को आप किस डेट को दीदी को पैसा दे रहे हैं, किस प्रकार का लोन है, किस लिए लोन ले रहे हैं और कितनी किस्त में ले रहे हैं, ये सब आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, मैंने एक एग्जाम्पल में लिया है कि एक दीदी जो है 20,000 रुपया 1/9/2022 को ली है, बैंक लोन है, और उसने कृषि के लिए पैसा ली है और उसने 10 किस्त में चुकाने का फैसला किया है। तो देख रहे हैं दोस्तों, हमने यहाँ पे डेट लिखा, बैंक लोन है, कृषि के लिए ली है और 10 किस्त में चुकाएगी। ठीक है दोस्तों, इतना यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद ये बगल में यहाँ पे दिख रहे हैं दोस्तों ऋण राशि के साथ सदस्य का हस्ताक्षर, यानी जितना भी दीदी पैसा ले रही है उतना पैसा लिख देंगे और नीचे उनका हस्ताक्षर ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, हस्ताक्षर लेना ना भूले, ताकि यही एक सबूत है जो दीदी जो है पैसा ली है कि नहीं, यही एक सबूत है। उसके बाद दोस्तों वापसी नियोजन, जब दीदी को आप पैसा दिए हैं उसी समय आपको वापसी नियोजन बनाना होता है। वापसी नियोजन का मतलब दीदी प्रत्येक महीने कितने पैसा जमा करेगी, आपको दीदी से पूछ के यहाँ पे वापसी नियोजन बना लेना है। तो यहाँ पर दीदी जो है 20,000 रुपया ली है और बोली है कि 2,000 रुपया प्रतिमाह मैं जमा करूँगी और साथ में ब्याज जमा करूँगी। तो यहाँ पर आपसी नियोजन बना लिया गया है। तो यहाँ पे 1/9/2022 को पैसा दिया गया, तो आपसी नियोजन अगले महीना से बनाया जाएगा, 1/10/2022 से, क्योंकि पैसा अगले महीना से लिया जाता है वापस। तो यहाँ पे बनाया गया 1/10/2022 को पैसा 2,000 रुपया मूलधन के रूप में और 200 रुपया ब्याज के रूप में। 200 ब्याज 20,000 का 1% के हिसाब से 200 रुपया ब्याज जो है लिया गया है। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट मंथ में यहाँ पे 2,000 रुपया, और जब 2,000 दे दिया गया तो 18,000 बचा। 18,000 का 1% से 180 रुपया ब्याज लिया जाएगा। फिर अगले महीने में 2,000, फिर 160 रुपया ब्याज के रूप में, फिर मूलधन 2,000, 140 रुपया ब्याज के रूप में, फिर 2,000, 120 रुपया ब्याज के रूप में। इसी तरह यहाँ पे जो है लास्ट में 20,000 रुपया यहाँ पे पूर जाएगा और लास्ट में 20 रुपया ब्याज करके पूरा नियोजन तैयार हो जाएगा। यानी टोटल 20,000 रुपया यहाँ पे 1/7/2023 को 20,000 रुपया पूर जाएगा। तो यहाँ पे छोड़ देंगे यहाँ पे करके। उसके बाद दोस्तों जब नियोजन बन जाएगा तब तो जब अगले माह आएगा तो मांग बनाना है, मांग बना के पैसा प्राप्त करना है। तो मांग कैसे बनाएंगे, तो हमने नियोजन में 2,000 रुपया और 2 रुपया ब्याज के रूप में नियोजन बनाया था, उसी प्रकार हम लोग मांग बना लेंगे। तो 2,000 रुपया का मूलधन मांग में बनाना है और 200 रुपया ब्याज बनाना है। इतना का मांग कर रहे हैं अगले महीना हम, लेकिन दीदी कितना देती है ये देखते हैं। तो दीदी ने 1/10/2022 को 2,000 रुपया मूलधन और 200 रुपया ब्याज के रूप में दी है। टोटल दीदी ने
2200 रुपया दे दिया और बकाया अब जो है 18000 रुपया बाकी रह गया उसके पास। उसके बाद फिर अगले महीने में यानी 1/11/2022 में फिर जो है 2000 रुपया और 18000 रुपया यहाँ पे अब जो राशि शेष रह गया तो 18000 का 180 रुपया ब्याज होगा, तो 2000 रुपया मूलधन और 180 रुपया जो है ब्याज के रूप में फिर से मांग करेंगे अगले महीना वापस लेने के लिए। 1/11/2022 को जब मांग किया गया 2000 रुपया और 180 रुपया ब्याज, लेकिन दीदी ने यहाँ पे सिर्फ जो है ब्याज दी है, यहाँ पे मूलधन दीदी ने उस महीना में नहीं दी और बोले कि सिर्फ हम ब्याज देंगे, तो ब्याज के रूप में 180 रुपया आ गया और बकाया उसके पास कितना रह गया 2000 रुपया। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे अधिशेष ओवर ड्यू में जो दीदी नहीं देती है किसी महीना में वही ओवर ड्यू जो है यहाँ पे लिखा जाता है, अधिशेष राशि में जो है यही ओवर ड्यू लिखा जाता है। तो दीदी ने इस महीने में 2000 रुपया नहीं दी इसलिए यहाँ पे 2000 रुपया बकाया लिखा गया और बाकी जो है 18000 रुपया है ही उसके पास। फिर अगले नेक्स्ट मंथ में यानी अगले महीने में, क्योंकि इस महीने में जो पिछले महीने में 2000 दीदी नहीं दी थी और इस बार का भी 2000 रुपया बाकी है, तो इस बार का जो मांग हम लोग बनाएंगे वो 4000 का बनाएंगे और 18000 रुपया बाकी है, तो 18000 का 1% से 180 रुपया ब्याज लिखेंगे। तो 4000 रुपया का मांग मूलधन और 180 रुपया ब्याज 1/12/2022 को हम लोग मांग बनाएंगे। और इस बार दीदी क्या की कि 4000 रुपया जमा भी कर दी और 180 रुपया ब्याज के रूप में, 4000 रुपया मूलधन भी जमा कर दी, 180 रुपया ब्याज के रूप में भी जमा कर दी, टोटल 4180 रुपया जमा करके दीदी जो है इस महीने और पिछले महीने का दोनों जो है चुकता कर दिया। तो अब जो राशि बचा हो अब 14000 रुपया, क्योंकि पहले 18000 था, इस माह में 4000 और प्लस में 180 ब्याज के रूप में जमा करके दीदी पिछले महीने का भी चुकता कर दी, इस कारण से अब 14000 रुपया बचा। अब फिर नेक्स्ट मंथ में जब 14000 बच गया तो नेक्स्ट अगले महीने में फिर 2000 रुपया मूलधन के रूप में मांग करेंगे, ठीक है, 2000 रुपया मूलधन के रूप में मांग करेंगे और 14000 रुपया बकाया राशि है, तो 14000 का 1% से 140 रुपया ब्याज मांग करेंगे। तो 1/1/2023 को जो है 2000 रुपया मूलधन और 140 रुपया ब्याज मांग कर रहे हैं और दीदी ने 2000 रुपया यहाँ पे मूलधन और 140 रुपया जो है ब्याज भी दे दी इस महीने में, टोटल 2140 रुपया ब्याज जो है जमा कर दिया गया दीदी के द्वारा। तो अब जो है बचा है 12000 रुपया। और साइड में देख रहे हैं दोस्तों कि नीचे लेखपाल का हस्ताक्षर है, तो लेखपाल का हस्ताक्षर यानी सीएम का हस्ताक्षर, सीएम को ही लेखपाल बोला जाता है, तो उनका हस्ताक्षर जो है इधर होते जाएगा, जिस तरह पैसा जमा करते जाएंगे उस तरह इधर हस्ताक्षर भी करते जाएंगे सीएम जी। फिर अगले मंथ में जब 12000 रुपया शेष रह गया तो फिर अगले महीने में फिर 2000 रुपया का मांग करेंगे, यहाँ पे 2000 रुपया और 12000 का 1% के हिसाब से 120 रुपया मांग, 120 रुपया ब्याज के रूप में मांग करेंगे। ये जो है 1/2/2023 को मांग कर रहे हैं। अब इसमें इस महीने में दीदी ने 2000 जमा करना था, लेकिन इस बार जो है दीदी मात्र 1000 मूलधन जमा की और ब्याज के रूप में जो 120 रुपया देना था वो भी जमा कर दी, ठीक है, टोटल 1120 रुपया जमा की। अब जो है 2000 रुपया दीदी को जमा करना था लेकिन की कितना 1000 रुपया, तो अब जो है 1000 रुपया उसके ऊपर बकाए के रूप में रह गया, 1000 रुपया जो है ओवर ड्यू अधिशेष जो है उसके पास रह गया और शेष राशि जो बचा देने के लिए बकाया वो 11000 बाकी। और फिर अगले महीना में जो है इस महीने का 1000 रुपये का 2000 रुपया दोनों जोड़ के जो है इस बार 1/3/2023 को 3000 का मांग बनाएंगे, ठीक है। तो जो राशि पिछले में जमा नहीं करती है दीदी, तो उस राशि को और जो अगले महीना में राशि लेना है उस दोनों को जोड़कर जो है हम मांग करते हैं अगले महीना में। तो इस बार 3000 रुपया और 11000 रुपया राशि बचा हुआ है, तो उसका 1% के हिसाब से 110 रुपया ब्याज के रूप में मांग करना है हमको 1/3/2023 को। और इस महीने में दीदी ने 1/3/2023 में दीदी ने 3000 रुपया पैसा मूलधन भी दे दी और ब्याज के रूप में 110 रुपया भी दे दी, तो इस महीने में टोटल 3110 रुपया दीदी जमा करके जो है पिछले का भी बकाया और इस महीने का भी बकाया भी चुकता कर दी। तो अब दीदी के पास जो है बकाया बचा ऋण के तौर पर 8000 रुपया।
फिर अगले महीना, अब तो अगले महीना मांग करेंगे 2,000 रुपये, और 8,000 पर जो ब्याज होगा 1% के हिसाब से वह 80 रुपया ब्याज के रूप में मांग करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 2,000 रुपया और 80 रुपये ब्याज के रूप में मांग करेंगे। यहाँ पे दीदी ने 2,000 रुपया और 80 रुपया लौटा भी दी, टोटल 2,280 रुपया दीदी लौटा दी। अब टोटल जो बकाया 6,000 रुपया बचा। फिर अगले महीना में 2,000 रुपया और 6,000 का 1% के हिसाब से 60 रुपया मांग करेंगे। फिर इसमें दीदी ने 2,260 रुपया जमा भी कर दी, और टोटल उसके पास जो बकाया बचा अब 4,000 रुपया बचा। फिर अगले मंथ में 4,000 रुपया का 40 रुपया ब्याज और 2,000 रुपया मूलधन के रूप में मांग करेंगे। इसमें भी दीदी ने 1,123 को 2,000 रुपया मूलधन भी दे दी और 40 रुपया ब्याज भी दे दी। ठीक है, टोटल 2,240 रुपया उसने चुकता कर दिया। अब उसके पास जो है मात्र 2,000 रुपया जो है 2,000 रुपया बकाया बचा हुआ है। अब इसको भी अगले महीना में मांग कर लेंगे, इसको भी अगले महीने में मांग कर लेंगे। तो यहाँ पे 2,000 रुपया और 2,000 मात्र बाकी है, तो 2,000 का 1% के हिसाब से 20 रुपया ब्याज हुआ। तो मूलधन 2,000 रुपया और 20 रुपया ब्याज के रूप में 1/7/2023 को मांग कर लेंगे। और इसको दीदी के द्वारा 2,000 रुपया और मूलधन और 20 रुपया ब्याज के रूप में चुकता कर दिया गया। टोटल 2,220 रुपया चुकता कर दिया गया। अब दीदी के पास जो है 1 भी रुपया अब बकाया नहीं है, दीदी ने पूरा चुकता कर दिया, इसलिए नील लिखा गया है। इसी तरह दोस्तों नील लिख देना है और बगल में यहाँ पे हस्ताक्षर कर देना है। तो देखें दोस्तों ये किस तरह ऋण पुस्तिका बना। तो इसी तरह ऋण पुस्तिका बनाया जाता है।